चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कैपिटल का डेफिनेशन बताती हूँ. जैसा कि आपने अभी सुना है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर इन द बिजनेस, जो भी अमाउंट ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो आपकी कैपिटल कहलाती है. तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. लेट सपोज ये मिस्टर राजू हैं. मिस्टर राजू चाहते हैं एक बिजनेस करना जो कि एक शू बिजनेस होने वाला है. वो एक शू बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है. तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में उनका 20 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन मिस्टर राजू के पास अभी सिर्फ 10 लाख रुपीज हैं. तो अभी मिस्टर राजू क्या करते हैं, उस 10 लाख रुपीज को इस बिजनेस में फुल्ली इन्वेस्ट कर देते हैं. तो जो अमाउंट राजू खुद से अपने पास से उस बिजनेस में लगाते हैं वो उनका कैपिटल कहलाता है. तो यहाँ पर इस 20 लाख की तो हमें नीड है, 20 लाख की तो हमें नीड है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जिसमें से 10 लाख राजू के पास खुद के पास थे तो वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसी अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल. तो हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो आती है लायबिलिटी की, कि लायबिलिटी क्या होती है. कोई भी अमाउंट या डेट डेट बिजनेस ऑज मतलब उधार ले रखा है, मतलब बाहर से जो ले रखा है, टू एक्सटर्नल पार्टी मतलब बाहर से. देखिए डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा होता है, ठीक है. डेट जो भी डेट आपने बिजनेस में ले रखा है बाहर से, मतलब जो भी पैसा आपने बाहर से ले रखा है उधार पे, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है. चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. देखिए वही एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी. कि वही मिस्टर राजू हैं और वही उनका शूज का बिजनेस है और वही उसमें 20 लाख का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें से 10 लाख तो मिस्टर राजू के पास हैं तो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो तो आपके लिए कैपिटल थी. लेकिन अब बाकी बचे हुए 10 लाख, बाकी बचे हुए 10 लाख कहाँ से आएंगे? बाकी बचे हुए 10 लाख भी तो चाहिए ना. तो उन्होंने क्या किया ना, कि अपना 5 लाख रुपीज बैंक से लिया एज अ बैंक लोन, है ना. 5 लाख रुपीज तो उन्होंने बैंक से लिया एंड 5 लाख रुपीज उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से ले लिया वो इंटरेस्ट पे, ठीक है. तो अभी 5 लाख रुपीज बैंक से लिया, 5 लाख रुपीज फ्रेंड से लिया, मतलब उनका खुद का पैसा तो नहीं है, बाहर से ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं. तो ये सारी चीज बिजनेस के लिए क्या हो गई है, लायबिलिटी हो गई है. ऐसा पैसा जो हम बाहर से लेते हैं वो हमारे ऊपर कर्जा होता है, एक तरीके से हमें उसको वापस करना होता है. ऐसे पैसे को हम बोलते हैं लायबिलिटी है, वो बिजनेस की लायबिलिटी है, वो बिजनेस के ऊपर एक तरीके का ऑब्लिगेशन है कि आपको ये रिटर्न करना है, आपको ये पैसा वापस करना है. तो ये दोनों चीज आपकी बिजनेस की क्या हो गई, ये दोनों चीज आपका जो ये 5 लाख एंड 5 लाख है ये बिजनेस के लिए आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है. अगर मैं लायबिलिटीज के टाइप की बात करूं तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि दो टाइप की लायबिलिटीज होती हैं, एक तरफ लॉन्ग टर्म होती है, एक तरफ शॉर्ट टर्म होती है. टर्म के बेसिस पे हम लोग लायबिलिटीज को बाइसेक्ट करते हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं. अगर 1 साल से ज्यादा की है तो लॉन्ग टर्म विच इज नॉन करंट, एंड 1 साल से कम की है तो विच इज करंट शॉर्ट टर्म. इसके अंदर क्या क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं, वो हम अपने इसको समझने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है. तो चलिए इसे शुरू करते हैं.
वही वाला सेम एग्जाम्पल है कि राजू है, राजू का वो बिजनेस है शूज का, जिसके अंदर उसने 20 लाख रुपीज उसने लगाना था और वही 10 लाख रुपीज उसने खुद से दिया, 5 लाख रुपीज उसने बैंक से लिया एंड 5 लाख रुपीज उसने फ्रेंड से लिया। तो देखिए 5 लाख रुपीज एक ऐसी अमाउंट है जिसे वो एक साल में तो पेमेंट नहीं करने वाला या उतना जल्दी पेमेंट तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ जो ये बैंक लोन लिया है या ये फ्रेंड से जो पैसे लिए हैं ये क्या हो गए हैं, ये आपके हो गए हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है। ये अभी थ्योरी पर्पस से समझ लीजिए, बिकॉज इनिशियल डेज में आपको लाइबिलिटी का बाइफरसेक्शन नहीं होता है। इनिशियल डेज में आप लाइबिलिटी को सिर्फ लाइबिलिटी के तौर पे लिखते हैं, लेकिन जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो अबाउट व्हाट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कवर की है, इसके बाद में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वहां कवर करूंगी जहां इसका वाला एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें से 5 लाख रुपीज उसने बैंक लोन के लिए एंड 5 लाख रुपीज मैं मान लेती हूँ फ्रेंड से लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लिए हैं या 6 मंथ्स के लिए लिए हैं। ठीक है, फ्रेंड ने बोल दिया था कि मैं सिर्फ 6 मंथ्स के लिए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और यहाँ पे बैंक लोन है जो कि 2 और 3 ईयर्स के लिए है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज, देखिए बैंक लोन मैं कह रही हूँ 2 और 3 ईयर्स के लिए है, तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। तो ऐसी लाइबिलिटी हमारे लिए क्या हो गई है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई है। लॉन्ग टर्म बोल लीजिए या फिर नॉन करंट बोल लीजिए, जो कि लंबे समय तक है। लेकिन वहीं पे आपके फ्रेंड ने बोला मैं पैसे सिर्फ 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए दे सकता हूँ, तो ऐसे केस में ये 5 लाख रुपीज आपकी क्या लाइबिलिटी हो गई है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो गई है, क्योंकि उसका टर्म कम है, या फिर मैं कह सकती हूँ करंट लाइबिलिटी हो गई है। ठीक है, आपको ये समझ आया, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है स्टॉक का। स्टॉक का बेसिक मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज परचेज करना जिसका आप बिजनेस में डील कर रहे हो। आपने राजू वाला एग्जाम्पल देखा, उसमें वो शूज की डीलिंग कर रहा था, वो शूज का बिजनेस कर रहा था, तो उसके लिए जो शूज हैं वो उसके गुड्स होंगे। और उसको छोड़कर अगर वो किसी भी चीज का सेल करता है या किसी भी चीज में डील करता है, वो उसका बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा और वो उसके स्टॉक या गुड्स नहीं कहलाए जाएंगे, वो पर्टिकुलर चीज उस पर्टिकुलर नाम से लिखी जाएगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसे। वही राजू है, उसने वही बिजनेस किया शूज का। ठीक है, शूज का बिजनेस है। ठीक है, अभी ये क्या करता है ना, इसके पास 10 लाख रुपीज है, ये एक नया बिजनेस, नया एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके पास 10 लाख रुपीज है। अब इसको ना फर्नीचर का भी जरूरत है अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस में स्टॉक का भी जरूरत है। तो ये क्या करता है ना, 8 लाख रुपीज का तो स्टॉक ले लेता है एंड 2 लाख रुपीज का फर्नीचर ले लेता है। 8 लाख का उसने क्या लिया, स्टॉक लिया, या फिर आप गुड्स लिख सकते हो या फिर आप इन्वेंटरी लिख सकते हो। ठीक है, वहीं पे 2 लाख का उसने क्या लिया, फर्नीचर लिया अपने बिजनेस के लिए। तो ऐसे केस में जब आप अकाउंट्स में इसे लिखोगे, इस ट्रांजैक्शन को लिखोगे कि उसने 8 लाख का ये लिया या 2 लाख का ये लिया, तो आप 8 लाख को तो एज अ परचेज दिखाओगे, 8 लाख को तो आप दिखाओगे कि स्टॉक लिया है, और इस 2 लाख को आप पर्टिकुलरली फर्नीचर के नाम से दिखाओगे। आप ये नहीं करोगे कि स्टॉक लिया है। स्टॉक सिर्फ वो होता है जिसमें आपका बिजनेस डील करता है, बाकी चीजें उसको छोड़कर आप कुछ भी खरीदो बेचो कुछ भी करो, वो आपके स्टॉक में नहीं आता, वो आपका स्टॉक नहीं होता। स्टॉक वही होता है जिसमें आप डील करते हो। ठीक है, चलिए उसे दोबारा पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगा। देखिए गुड्स, ओके सॉरी, गुड्स ये परचेज फॉर द सेल, मतलब आपने परचेज किया है किसके लिए, सेल करने के लिए अपने बिजनेस में। आप शूज का स्टॉक खरीदते हो एंड देन आप सेल करते हो, देन आपके पास वो बिजनेस चलता है। बिजनेस किससे चलता है, जब आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। तो आपको स्टॉक का मतलब समझ आया। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं परचेज। तो परचेज का मतलब होता है जब आप अपना स्टॉक खरीदते हो।
जब आप अपना स्टॉक खरीदते हो तो वो पर्टिकुलरली परचेज में लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप कोई और चीज खरीदते हो तो वो किसी और चीज के नाम से लिखी जाएगी। उसी एग्जाम्पल को थोड़ा और एलेबोरेट करके पढ़ते हैं। देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था और आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ पे 8 लाख रुपीज का उसने स्टॉक लिया है एंड 2 लाख रुपीज का फर्नीचर लिया है। तो यहाँ पे जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगी, मैंने अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स को A/C करके लिखते हैं, जब मैंने अकाउंट्स बनाए तो मैं यहाँ पे परचेज के सामने जो अमाउंट लिखूंगी, क्योंकि मेरी परचेज परचेज में सिर्फ उसको बोलती हूँ जो मैंने स्टॉक परचेज किया है। किससे परचेज किया है? सप्लायर से परचेज किया है। तो जो मैंने सप्लायर से स्टॉक परचेज किया है उस परचे जो स्टॉक लिया है उसको तो मैं परचेज में लिख दूंगी 8 लाख रुपीज। और जो मैंने 2 लाख का फर्नीचर लिया है वो मैं फर्नीचर के नेम से लिखूंगी, वो मैं परचेज के अंदर नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो स्टॉक, आपको स्टॉक का मतलब पता होना चाहिए। स्टॉक आपको पता है जिसमें आप डील करते हो, जिसमें डील करते हो जब आप वो खरीदते हो, बेसिकली अपने गुड्स खरीदते हो तो वो आपकी परचेज में लिखी जाती है, लेकिन उसके अलावा जब भी आप कोई चीज खरीदते हो वो उस पर्टिकुलर नाम से लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं 2 टॉपिक्स और, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। राजू है, वही उसका शूज का बिजनेस है, उसको अब 10 लाख रुपीज के स्टॉक चाहिए था। बेसिकली क्या चाहिए थे? शूज चाहिए थे। ठीक है, लेकिन अभी उसके पास उतना पैसा नहीं था कि 10 लाख रुपीज वो सारे के सारे इन्वेस्ट कर दे शूज लेने में। अगर वो ऐसा कर देगा तो वो बाकी चीजें, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपका फर्नीचर हो, और भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब करने के लिए उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। तो वो क्या करता है, वो एक डीलर के पास जाता है, सप्लायर के पास, मिस्टर गोपीचंद। ये हमारे मिस्टर गोपीचंद आ गए। मिस्टर गोपीचंद सप्लायर हैं, मैं यहाँ सप्लायर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए। मिस्टर गोपीचंद सप्लायर है, वो राजू को पहले से जानते हैं, तो राजू पे थोड़ा सा उन्होंने ट्रस्ट कर लिया एंड राजू को एक डील दी। राजू को कहा कि राजू एक काम करो, आप माल तो लेके जाओ 10 लाख का, स्टॉक तो आप लेके जाओ 10 लाख का, एक काम कर दीजिए आप हाफ पेमेंट मुझे आप कर दीजिए, हाफ पेमेंट जैसे जैसे आपकी सेल होती रहेगी तब कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राजू ने कहा ओके सर, मुझे तो यही चाहिए था, कोई सोल्यूशन चाहिए था, वो मिल गया है मुझे। तो उसने क्या किया ना, उसने 5 लाख तो कैश पेमेंट कर दी, मतलब उसको हैंड टू हैंड पैसा दे दिया, और 5 लाख के लिए उसको बोला कि मैं बाद में दे दूंगा जैसे मेरा सेल हो गया, तो वो क्रेडिट पे हो गया। क्रेडिट का मतलब अकाउंट्स में उधार होता है। जब भी कोई चीज उधार पे होगी मतलब क्रेडिट पे होगी। क्रेडिट वर्ड यूज किया गया है उधार के लिए कि ये चीज उधार पे है। तो जब आप कोई परचेज करते हो और उसमें कैश दे दिया, देखिए आप हो, आप सप्लायर हो, ठीक है, मैं राजू, मैंने आपसे माल खरीदा और मैंने आपको पैसे दे दिए, तो उसमें थर्ड पार्टी का तो कोई रोल नहीं है। मेरे पास से कैश गया, इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ ये रिकॉर्ड करेंगे मेरे पास से स्टॉक आ गया और मेरे पास से पैसा चला गया, इक्वल हो गया, चलो जी हो गया, मिल गया हिसाब। ठीक है, लेकिन बात वहां आ जाती है जब मेरे पास स्टॉक तो आया लेकिन मेरे पास से पैसा नहीं गया। मेरे पास स्टॉक तो आ गया, मेरे पास स्टॉक तो 10 लाख का आया लेकिन मेरे पास पैसे तो 5 लाख के गए हैं, 5 लाख का तो अभी गया ही नहीं है। तो ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे कि मैंने उधार पे खरीदा है, और जो जब कोई चीज उधार पे खरीदी जाती है तो मैं उसके आगे क्रेडिट लगा देती हूँ। तो पहले जो मैंने परचेज की है 5 लाख की, वो कैसी परचेज है मेरी? कैश परचेज है। कैसी परचेज है? कैश परचेज है। लेकिन ये 5 लाख जो मैंने उधार पे लिए, ऐसी परचेज को मैं क्या बोलती हूँ? क्रेडिट परचेज है। क्या है ये मेरी? क्रेडिट परचेज है। समझ आया कि जिस चीज में जब हम परचेज करते हैं, परचेज किसका करते हैं? स्टॉक का करते हैं। तो स्टॉक जब मैं खरीद रही हूँ और हैंड टू हैंड पैसा दे दिया तो कैश परचेज, लेकिन हैंड टू हैंड पैसा नहीं दिया, चाहे एक दिन बाद ही दिया, उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए मैंने उसे उधार पे लिया है एंड वो मेरी क्रेडिट परचेज हो गई है। ठीक है।
नहीं समझ आ गया। उसके बाद देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि आपको कुछ भी अगर नोट करना है तो आप कर सकते हो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप बाद में भी अच्छे से समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो टर्म आती है वो क्रेडिटर आती है। क्रेडिटर का मतलब आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, अब उसे एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। देखिए, मैंने एक आपको पहले ही ऑलरेडी एक एग्जाम्पल कराया था, जो कि जिसमें राजू था, जिसने गोपी चंद से खरीदा था, राइट। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमारे मिस्टर राजू हैं, जिन जो का जिसका शूज का बिजनेस है, उन्हें स्टॉक चाहिए था 10 लाख रुपीज का, एंड जिसमें से 5 लाख रुपीज का तो उन्होंने कैश में खरीदा मिस्टर गोपीचंद से, एंड 5 लाख का उन्होंने उधार पे खरीदा मिस्टर गोपीचंद से। ये 5 लाख उनकी क्रेडिट परचेज के तौर पे है। तो अब बात आती है क्रेडिटर क्या होता है, उसे समझते हैं। जब भी हम कुछ परचेज करते हैं एंड उधार में परचेज करते हैं, तो जो सप्लायर होता है, जिसको हमें बाद में पैसा लौटाना होता है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे मुझे पैसे किसको लौटाने हैं? देखिए, मैंने क्रेडिट परचेज किया, मतलब उधार में सामान खरीदा, किससे खरीदा, किसको मुझे बाद में पैसे लौटाने हैं? मुझे मिस्टर गोपीचंद को बाद में पैसे लौटाने हैं। तो इस केस में सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। इस केस में मिस्टर गोपीचंद क्या हो जाते हैं? मिस्टर गोपीचंद हमारे लिए हो जाते हैं क्रेडिटर, जिसको हमें पैसा देना होता है। मिस्टर गोपीचंद इज आवर क्रेडिटर, कि हमें उसे पैसा चुकाना है, हमें उसे पैसा देना है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये हमारे क्रेडिटर हो जाते हैं। तो बेसिक समझिएगा, थोड़ा सा इसको वापस से क्रोनोलॉजी समझिएगा। तो इसकी क्रोनोलॉजी बेसिक सिंपल सी है। सबसे पहले स्टॉक क्या होता है, जिस चीज में हम डील करते हैं, परचेज क्या होता है, जिसमें डील करते हैं उस चीज को खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज क्या होता है, जब हम उसे उधार में खरीदते हैं, और क्रेडिटर क्या होता है, जिससे हमने उधार में खरीदा है, जिसको हमें पैसे लौटाने हैं, वो हमारा क्रेडिटर हो गया। अभी तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। कुछ भी डाउट लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी तक हम लोगों ने किया कि क्रेडिटर क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। आप खुद बताइए, लास्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको क्रेडिटर के बारे में, कि कैसे राजू ने अपने शूज लिए, उसके बाद उन्हें आधे आधा तो पेमेंट कर दिया, लेकिन आधा पेमेंट नहीं किया, जो कि आपकी क्रेडिट परचेज बन गई। मिस्टर गोपीचंद आपके क्रेडिटर है, अब वो चाहते हैं कि आप उन्हें पेमेंट कर दें। तो वो पेमेंट के लिए कुछ ऑफर करना चाहते हैं कि चलिए मैं राजू को कुछ ऑफर कर देता हूँ, कुछ अच्छा सा ऑफर करूंगा, क्या पता ये मुझे जल्दी पेमेंट कर दे, मैं उसको कह देता हूँ 10% कम लूंगा, क्या पता वो सोच के वो कर दे, क्योंकि 10% कितना हो गया, 5 लाख का 10%, 50,000, 4 लाख 50,000 उसको पेमेंट करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी गुड ऑफर। तो अब उसे वो डिस्काउंट देंगे या लेंगे, आप खुद सोचिए। आप क्या टर्म यूज करेंगे जब हमारा क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देता है, जिसको हमें चुकाना है, अगर वो हमें डिस्काउंट देता है, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड यूज करेंगे या डिस्काउंट गिवन यूज करेंगे? तो बेसिकली हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हम जो भी अकाउंट्स बनाते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस को, ये हमारा शूज का बिजनेस है और ये मिस्टर गोपीचंद है, मिस्टर गोपीचंद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस उन्हें जल्दी पेमेंट कर दे, तो वो उन्हें 10% डिस्काउंट देंगे देंगे। और देने को क्या होता है, वो डिस्काउंट देंगे। तो अब कौन डिस्काउंट दे रहा है? गोपीचंद दे रहा है। लेकिन मैं गोपीचंद के बारे में सोचूंगी नहीं, मैं तो किसके बारे में सोचूंगी, मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस के बारे में सोचूंगी। अब मैं यहाँ पे हूँ, मिस्टर गोपीचंद वहां पे हैं, और वो कह रहे हैं वो मुझे डिस्काउंट देंगे, तो मैं तो डिस्काउंट रिसीव कर रही हूँ ना, मुझे तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, मेरे लिए तो फायदा है ना। कहाँ मुझे 5 लाख का पेमेंट करना था, कहाँ मैं 4.5 लाख का पेमेंट करूंगी।
तो मुझे तो फायदा है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये एक तरीके का हमारे लिए बेनिफिट होता है, एक तरीके का हमारे लिए फायदा होता है। ठीक है, तो अभी आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि डिस्काउंट रिसीव क्या होता है। जब हमारा सप्लायर से हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। अब हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है सेल की। सेल की सारी चीजें लगभग वैसी ही हैं जैसे परचेज की है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए परचेज में कैसे था कि अगर हम सिर्फ स्टॉक खरीदें तभी परचेज है, अदरवाइज उस पर्टिकुलर नाम से लिखा जाएगा जिस पर्टिकुलर नाम से वो खरीदा है। जैसे फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर के नाम से। तो ठीक वैसे ही जब हम सेल करते हैं तो अगर हम अपने गुड्स की, गुड्स इन्वेंट्री स्टॉक कुछ भी लगा लीजिए, अगर हम उसकी सेल कर रहे हैं तब तो हम सेल में लिखते हैं, अदरवाइज अगर हम कुछ और सेल कर रहे हैं तो वो हम उसके नाम से लिखते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन पढ़िए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। हमने गुड्स दिए, गुड्स क्या होते हैं जो हम अपने बिजनेस में देते हैं, सर्विसेज वो होती हैं जो हम बिजनेस में देते हैं। ठीक है, तो गुड्स अगर हमने दिए हैं जो हम जिस चीज में डील करते हैं, अगर हमने वो बेचा है और उसके बदले का पैसा लिया है तो हम लोग उसको सेल में लिखेंगे, अदरवाइज हम उसे सेल में नहीं लिखेंगे, हम उसके नाम से लिखेंगे जिसके जो चीज हमने सेल की, जो चीज हमने बेची होती है। एग्जांपल से समझते हैं इसे। देखिए मिस्टर राजू है, मिस्टर राजू ने क्या किया, वही शूज के बिजनेस है। अब शूज का बिजनेस चलते हुए ना फॉर एग्जाम्पल 5 years हो गए हैं, 5 years हो गए हैं, तो अब उन्होंने जो 1 month में, मैं 1 month की बात करती हूँ, 1 month में 7 lakh के तो शूज बेचे हैं। एंड वहीं पे ना उनका फर्नीचर पुराना हो गया था, लेकिन लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का था तो उन्होंने सेल किया अपना फर्नीचर, तो वो उनका सेल हुआ 3 lakh रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए जो मैंने एक्सप्लेन किया था उस अकॉर्डिंग कि मैं ये 7 lakh को किसमें लिखूंगी एंड 3 lakh को किसमें लिखूंगी। तो बेसिक बात ये है कि 7 lakh तो मेरा सेल के तौर पे लिखा जाएगा कि मेरे को सेल हुई है 7 lakh की। मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने जूते बेचे, नहीं, मैं डायरेक्टली बोलूंगी कि मैंने सेल किया है 7 lakh का। लेकिन जब मैं फर्नीचर बेचती हूँ तब मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने सेल किया है 3 lakh का, मैंने फर्नीचर बेचा है 3 lakh का। तो ये लिखा जाएगा सेल ऑफ फर्नीचर, बेसिकली फर्नीचर के नाम से लिखा जाएगा, सेल के नाम से नहीं लिखा जाएगा। सेल के नाम से वो लिखा जाता है जब हम अपना स्टॉक बेचते हैं। तो यहां पे आपको मतलब समझ आया होगा सेल का। अगला जो हम समझने वाले हैं तो इसी में ही एक चीज और आ जाती है। अब सोच के देखिए, जो 7 lakh का सेल किया, मैं बता रही हूँ ना कि राजू ने 7 lakh का सेल किया है, उसमें से हमें पता लगता है कि 5 lakh रुपीस तो उसको हैंड टू हैंड रिसीव हो गए थे, 5 lakh रुपीस तो उसे तब के तब रिसीव हो गए थे, लेकिन 2 lakh रुपीस ऐसे हैं जो कि अभी तक नहीं आए हैं, जो कि उसके मतलब कोई जानकार होगा या जिसपे वो ट्रस्ट करता होगा, ऐसा कोई होगा अच्छा कस्टमर जिसपे उसको रिलायबल होगा, तो उसको उसने कह दिया कि ठीक है आप लेके जाओ, उसके बाद में पेमेंट कर देना, तो अभी तक पेमेंट नहीं आया है। तो यहाँ पे भी देखिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है। देखिए जब मैंने सेल किया तो मेरे पास से गुड्स चला गया और कैश आ गया, गुड्स चला गया कैश आ गया, तो इसमें थर्ड पार्टी का कहीं पे जिक्र आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना। देखिए दो चीज अफेक्ट होनी चाहिए, कैश आया और स्टॉक गया, दोनों चीज अफेक्टेड है, तीसरे का हमें क्या लेना देना, हमने किसको बेचा है। तो ऐसा सेल जिसमें हमारा स्टॉक चला जाता है और कैश हैंड टू हैंड आ जाता है उसको बोलते हैं कैश सेल्स। क्या बोलेंगे? कैश सेल्स। एंड वहीं पे 2 lakh रुपीस का उसने क्या किया है, कैश में तो दिया नहीं है, अभी तक पैसे तो आए नहीं है, स्टॉक चला गया लेकिन पैसा नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब वो थर्ड पार्टी अभी इन्वॉल्व है, खड़ी है मेरे सर पे खड़ी है कि भाई मुझे उससे पैसा लेना है।
लेना है ना पैसा, 2 लाख छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में उस पार्टी को क्या बोलते हैं? उस पार्टी को बोलते हैं हम डेटर। अब बात आती है उस 2 लाख की। तो 2 लाख रुपए इसका हमारा स्टॉक तो चला गया है, लेकिन पैसा तो नहीं आया है। तो ये कैसी सेल हुई? उधार पे हमने सेल की है। उधार को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था उधार वर्ड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट बोलेंगे। तो ये कैसी सेल हुई? क्रेडिट सेल हुई। सेल तो हो गई लेकिन क्रेडिट सेल हुई, जस्ट बिकॉज उसमें पैसा अभी तक नहीं आया है। तो ये हमने 2 टर्म समझी। कैश सेल क्या होती है? कि हैंड टू हैंड पैसा रिसीव हो गया है। एंड क्रेडिट सेल होती है जहां पे हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ होता है, फ्यूचर डेट में कभी भी रिसीव हो सकता है, वेदर चाहे कल ही रिसीव हो जाए, लेकिन एक बार के लिए हम उसे एज ए क्रेडिट सेल नोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वहीं पे आ जाता है डेटर का। अब आता है डेटर का, चलिए इसे समझते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पर्सन हुम द बिजनेस लेंड मनी, मतलब जिसको हमने दे रखा है पैसा, बिजनेस ने दे रखा है पैसा, ये क्रेडिट सेल से होता है। एंड साथ में डिस्काउंट की हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल अभी आपने समझा था, नहीं समझा तो आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। क्रेडिट सेल का मतलब क्या था? हमने कोई सेल की है लेकिन उधार भी किए, हमने पैसा रिसीव नहीं किया है। तो अब इसमें इस पार्टी का मतलब समझते हैं कि ये पार्टी कौन होती है। बेसिकली अभी आपने एक एग्जांपल समझा था जिसके अंदर राजू था, राजू ने शूज सेल किए थे 7 लाख रुपीज के, जिसके अंदर 5 लाख रुपीज के तो उसको कैश रिसीव हो गया था एंड 2 लाख रुपीज का उसको उधारी थी, मतलब क्रेडिट पे किया था, क्रेडिट सेल थी। तो ये क्या होगा? ये तो राजू है अपना एंड उसने जिसको सेल किया था, मान लो ये पर्सन है मिस्टर एक्स को 2 लाख रुपए का ही उसने माल दिया था, पूरा सारे शूज 2 लाख के मिस्टर एक्स को दिए थे, या फिर लगा लीजिए मिस्टर वाई को भी दिए थे, दो बंदों को दिए थे मिस्टर वाई को। तो ये दोनों पार्टी जिसको उसने क्रेडिट सेल किया है वो कौन होती हैं? वो डेटर होती हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिनको हमने उधारी दे रखी होती है, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको हम डेटर बोलते हैं, हम उन्हें डेटर बोलते हैं बेसिकली, कि हम जिनसे पैसा लेने वाले हैं। लेकिन ये एक बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, जो कि मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी बोला था कि उसने ना मान लो फर्नीचर भी सेल किया था 3 लाख का, और फर्नीचर तो चला गया 1.5 लाख का पेमेंट आ गया, और 1.5 लाख उसने ना फर्नीचर भी सेल किया था 3 लाख का, और मान लो ये 3 लाख रुपए अभी आए नहीं है, तो क्या ये भी डेटर होते हैं? नहीं, ये डेटर नहीं होते। डेटर वो होते हैं जिसको आपने सेल की होती है। सेल का मतलब क्या होता है? जो आपने अपने गुड्स बेचे होते हैं, अगर वहां पे उधार में सेल हुई है और वो जो पार्टी है तो वो कहलाई जाएगी डेटर, जिनसे हमें बाद में पैसा लेना होता है। जिसको हमें देना होता है वो कौन थे? वो क्रेडिटर थे। हमारा सप्लायर मिस्टर गोपीचंद क्या थे? वो क्रेडिटर थे। मिस्टर एक्स एंड वाई क्या हैं? डेटर हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है डिस्काउंट की बारी। तो वही बात आ जाती है, जब सप्लायर से मुझे डिस्काउंट मिला था तो मैं तो बिजनेस हूं, और बिजनेस के लिए क्या है? मुझे तो फायदा हो रहा है, 5 लाख की जगह 4.5 लाख देना पड़ रहा है, तब मैंने डिस्काउंट रिसीव की थी। लेकिन अब वही वाली चीज आ जाती है। एग्जांपल, नाउ आई एम द सेलर, कि मैं सेल कर रही हूँ, मैं अपने कस्टमर्स को उससे जल्दी पेमेंट लेने के लिए क्या करूंगी? उनको डिस्काउंट दूंगी। बिजनेस अपने कस्टमर से जल्दी पेमेंट लेने के लिए क्या करेगा? उन्हें डिस्काउंट देगा। तो डेटर्स को जो हम डिस्काउंट देते हैं तो वो क्या आ जाता है? डिस्काउंट गिवन आ जाता है।
हम उन्हें पैसा दे हमें हम उन्हें डिस्काउंट देते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि कहाँ हमें 5 लाख का पेमेंट मिलना था, फॉर एग्जाम्पल हमने उन्हें हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझा था कि हमने उसे 2 लाख का पेमेंट किया है, हमने लास्ट एग्जाम्पल में समझा था हमने उसे 2 लाख का क्रेडिट सेल किया है, हमने उसको 2 लाख की उधारी में दिया है। अभी मैं उसका 10% काट के उसको करती हूँ तो 20,000 रुपीज़ हो जाता है, 1,80,000 रुपीज़। तो कहाँ देखो हमें 2 लाख मिलने वाला था, कहाँ हमें 180 मिलेगा। तो ये 20,000 का हमारे लिए तो एक्सपेंस के तौर पर है, हमारे लिए तो खर्चा हो गया, हमें तो 20,000 ज़्यादा मिलते। तो इसीलिए ये हमारा एक्सपेंस होता है एंड हम इसको डिस्काउंट गिवन में लिखते हैं, ठीक है। अब जो टर्म आती है वो आती है एसेट्स। एसेट्स होते क्या हैं? एसेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बेनिफिट देती हैं पैसा कमाने के लिए, जो हमें हेल्प करती हैं पैसा कमाने के लिए। तो एसेट्स भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको करा देती हूँ कि रिसोर्सेज और वैल्यूबल आइटम्स ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस ने जो ओन कर रखा है, ये बिजनेस है, बिजनेस ने बिल्डिंग है, बिल्डिंग है बिजनेस के पास, बिल्डिंग के अलावा उसके पास लैंड है, उसके पास प्लांट एंड मशीनरी है, मशीनरी है कोई शूज बनाने की या किसी भी चीज की, उसके पास फर्नीचर है, उसके पास स्टॉक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि उसको हेल्प करती हैं कमाने के लिए, ठीक है। स्टॉक नहीं होगा तो बेचेगा क्या, बिल्डिंग नहीं होगा तो कहाँ बेचेगा, लैंड नहीं होगी तो बिल्डिंग किस पे बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगी तो जूते किस में बनाएगा। राजू हमारा है जो जूतों का बिजनेस करता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो पैसा कैसे जनरेट करेगा। किसी भी चीज़ की कमी आपको पैसा जनरेट करने में वो रोक देगी ना, लैंड नहीं होगी, बिल्डिंग नहीं होगी, आप कैसे बेचोगे? आपको कोई जगह तो चाहिए जहाँ पे आप शोरूम बनाओ, फिर आपको बेचने के लिए शूज़ भी तो चाहिए, मतलब स्टॉक भी चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं पैसा जनरेट करने में। अब बात आ जाती है कि टर्म के बारे में, जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्प करती है बिजनेस बनाने में। देखिए ये राजू है, उसका शूज़ का बिजनेस है और उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप बिल्डिंग कल ही बिक जाएगी, नहीं बिकेगी, लॉन्ग टर्म तक हेल्प करेगी आपको पैसा जनरेट करने में। लैंड भी लॉन्ग टर्म तक जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी भी लॉन्ग टर्म तक जाएगा, फर्नीचर भी लॉन्ग टर्म तक जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जैसे कि आपका लैपटॉप्स हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे कि लॉन्ग टर्म चलने के लिए। स्टॉक एक ऐसा है जो कि लॉन्ग टर्म नहीं है, स्टॉक भी लॉन्ग टर्म हो गया तो मतलब चल गया बिजनेस। स्टॉक तो ऐसा है ना कि जिसको जल्दी 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 सेल करेंगे तभी तो बात बनेगी, बिजनेस है क्या, हमें सेल करनी है, वही तो बिजनेस है। तो स्टॉक जो है वो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमारे पास नहीं रहेगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। तो वहीं पे जो चीज़ रहती है लॉन्ग टर्म के लिए रहती है वो हमारे लिए क्या होगी, फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है, वो हिलने नहीं वाली अपनी जगह से, वो वहीं रहेगी। तो ऐसे को हम फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट्स बोल देते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड नहीं है उसे हम करंट एसेट या फिर नॉन फिक्स्ड एसेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जो कि फिक्स रहेगी, लंबे टाइम तक हमें साथ देगी, हमारा हमारा हेल्प करेगी बिजनेस को चलाने के लिए, वो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं। और जो हमें हेल्प नहीं, मतलब हमें छोटे टाइम पीरियड के लिए जल्दी जल्दी पैसा जनरेट करके देगी, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो देखिए आप इसके पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, लैपटॉप, टेम्पू, मतलब कोई भी अगर ट्रैवल के लिए, सॉरी, कोई भी आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी कन्वेंस चाहिए तो वो आ गया, वो भी आपको लंबे टाइम तक हेल्प करेगा। तो ये आपके फिक्स एसेट्स आ गए, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, डेटर भी आपको बाद में पैसा देते हैं ना, उनसे भी बाद में जल्दी से ही तो पैसा आएगा, ऐसा थोड़ा सालों साल तक डेटर से पैसा नहीं आएगा। तो वो भी आपके करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एसेट्स के टर्म को भी समअप कर लिया है, और भी बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलरली जो भी टर्म जाननी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।